मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ हमने फाइंड आउट की थी। आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा ये हमारा आज का। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने टू सेल्स का कंसेप्ट समझाया था आपको, उसी तरीके से मैं यहाँ पे दो सेल यूज करूंगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उनको रखेंगे और उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये डेरिवेशन आपका। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये दो सेल हमने कनेक्ट कर रखे हैं पैरेलल में, EMF E1 एंड EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2, क्लियर। अब देखिए E1 इस सेल में से मान लीजिए करंट जा रहा है I1 और E2 में से करंट जा रहा है I2, दोनों यहां से जाएंगे, दोनों यहां A पर, A टर्मिनल पे यहां के दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद यहां से कितना बन के निकलेगा, मान लिया हमने लेट कर लिया आई करंट यहां से बाहर की तरफ निकलेगा। अब सोचिए आई करंट बाहर से निकलेगा तो घूमकर वापस कितना करंट आएगा। सिंपल वही बात, ये कांसेप्ट तो स्टार्टिंग से ही समझ में आ गया होगा आपको कि जितना करंट हम निकालते हैं उतना ही करंट वापस आता है। आई आया टर्मिनल में से, I1 तो ऊपर चला गया और I2 नीचे आ गया, क्लियर। चलिए कुछ भी नहीं करना, ए से बी तक। अब चलिए हम पाथ ले लेते हैं, ये हमारा पाथ हो गया, क्योंकि आपको मालूम है ना पाथ क्यों लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे और पाथ यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं हमेशा की तरह। एज योर चॉइस, आप इधर करो या उधर करो कोई मैटर नहीं रखता। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स वाई पी क्यू। तो सबसे पहले मैं पाथ लेता हूं, पाथ ए एक्स वाई बी, ए एक्स वाई बी होते हुए। अब जरा लगाइए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सोचो जरा ए पर पोटेंशियल कितनी, वी। बिल्कुल, क्योंकि जिसने भी सीरीज कॉम्बिनेशन की वीडियो नहीं देख रखी ना, तो प्लीज बच्चों पहले जाके सीरीज कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि वैसा ही लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ का कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, वी ए। ऊपर गए हम एक्स, ए से एक्स की तरफ, एक्स से वाई की तरफ, वाई से बी की तरफ, ठीक है। और पाथ हमारा इस साइड है, तो क्या होगा कि यहां से जब चलेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा पाथ इस तरफ है, ये हमारा पाथ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं, तो माइनस E1 हो जाएगा। रूल्स आपको पता है किरचॉफ्स लॉ के, आगे R1 रेजिस्टेंस, I1 करंट ऐसे गुजर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगी। पोटेंशियल ड्रॉप का क्या पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, क्या रूल अपनाते हैं, देखिए करंट की डायरेक्शन जा रही है इस तरफ और हमारी डायरेक्शन है इस तरफ, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितनी हो जाएगी, I1 R1 पॉजिटिव। आगे आएंगे बी आ जाएगा, ठीक है, कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं सिंपल है भाई यहाँ से चले, ठीक है, एक EMFI एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया और सीधा बी तक पहुंच गए, दैट इज VB। बी इधर आएगा तो क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, दैट इज बी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। यहां से I1 की वैल्यू निकाल लीजिए, I1 आ जाएगा यहाँ पे E1 माइनस V अपॉन R1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, क्लियर है। ये किरचॉफ्स रूल लगाया है हमने A से B तक जाते वक्त, अब A से B तक ही जाना है, बट पाथ चेंज हो गया हमारा, अब नीचे से घूमकर जा रहा हूं मैं, अब मैं दूसरा वाला पाथ अप्लाई कर रहा हूं, पाथ A P
A P Q B लगे ये किरचॉफ्स लॉ, यहां से गए ये हाइयर है ये लोअर है, हमारी डायरेक्शन भी ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा A पर पोटेंशियल है VA माइनस E2 और करंट की डायरेक्शन ऐसे, हमारी डायरेक्शन ऐसे, I1 I2 करंट R2 में से गुजरेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू VB, VB इधर आ जाएगा माइनस VB E2 माइनस I2 R2, व्हाट इज दिस, दिस इज V, सेम एयर, यहां पे क्या हो जाएगा E2 दैट इज सो I2, यहां से कितना आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन सेकंड। आप मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, आप सिमिलरली भी लिख सकते थे इसकी जगह सीधा, मान लीजिए यहां पे I1 कितना आया E1 upon R1 minus V upon R1, similarly I2 कितना हो जाएगा E2 upon R2 minus V upon R2, वही आएगा। तो ये आप सिमिलर भी कर सकते हो, मैं फर्स्ट टाइम आप करवा रहे हैं तो मैं पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। दोनों पाथ पर हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर लिया, अब देखिए क्या होने वाला है, फिर यहां से कितना करंट जा रहा है I1, यहां से कितना करंट जा रहा था I2, दोनों यहां मिलेंगे कितना बन गया I, तो एक इक्वेशन हमारी यहां से बन गई, वी नो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, क्लियर हो रही है बातें सारी, यहां से I1 आया यहां से I2 आया, यहां दोनों मिले तो दोनों ऐड करके कितना निकला I, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I के बराबर हो जाएगा। I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू यहां और यहां पुट कर दीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो चलिए देखते हैं इसको, देखिए I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू रख दीजिए E1 upon R1 minus V upon R1, same here, plus E2 by R2 minus V upon R2। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम देखिए जरा, मैं इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूं, इसको और इसको मैंने एक साथ लिख दिया, इसमें से माइनस V कॉमन आ रहा है, कर सकता हूं मैं ऐसे, चलिए तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, यहां से v की वैल्यू ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये 1 upon r1 plus 1 upon r2 is equal to e1 upon r1 plus e2 upon r2 minus i, अरे minus i उधर आ जाएगा, ये जो i है ये उधर चला जाएगा, ये पूरी टर्म उठ के इधर आ जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। v फाइंड आउट करना, ये पूरी टर्म अपॉन में चली जाएगी दोनों टर्म के नीचे, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ये पूरी टर्म थी हमारे पास, ये अपॉन में जाएगा इसके माइनस i के अपॉन में जाएगा 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2, सहमत हो इससे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, इसको अब मैं कंपेयर करवाऊंगा हमारी जर्नल इक्वेशन के साथ, ठीक है। वी नो दैट v इज इक्वल टू e इक्विवेलेंट माइनस i r इक्विवेलेंट, ये तो कर रखी है आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन भी हमने कंपेयर करवाया था। अब जरा देखिए v की जगह तो v आ रहा है, इस e इक्विवेलेंट की जगह ये पूरी टर्म आ रही है, तो e इक्विवेलेंट का रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास e2 upon r2 1 upon r1 plus 1 upon r2, ये रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। सिमिलरली माइनस i के साथ कंपेयर हो गया, तो r इक्विवेलेंट कितना आ रहा है हमारा 1 upon 1 upon r1 plus 1 upon r2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये हो जाएगा, एक आंसर ये आया एक आंसर ये, तो e इक्विवेलेंट का आंसर ये आया और r इक्विवेलेंट का आंसर ये आया आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, किरचॉफ्स लॉ लगा के और वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैंने दोनों सेल्स कनेक्ट की थी, याद रखना, जब मैंने दोनों सेल्स कनेक्ट की थी लाइक दिस,
तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट थे, और नेगेटिव एक ही पॉइंट से कनेक्ट थे, पैरेलल में ऐसा ही होता है। तो याद रखना, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव एक ही कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो, नेगेटिव नेगेटिव यानी सेम सेम टर्मिनल जब कनेक्ट हो, तो रिजल्ट आता है हमारा पॉजिटिव में। क्या आता है? पॉजिटिव में। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, यानी मैं अगर इसको पलट देता हूं, मान लीजिए अगर मैं इस सेल को इस तरीके से ज्वाइंट कर देता हूं, यहाँ पे पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो रही है? नेगेटिव से। तो उस समय क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? उस समय ये क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, आप कर भी सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा याद रखना, बस न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी ऐसा ही था, सेम ऑर्डर एडिशन आ रहा था ई1 प्लस ई2, बट जैसे ही मैंने बैटरी या सेल को चेंज कर दिया, माइनस बन गया। सेम वही है, अगर अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा। और अगर आपका नॉर्मल तरीके से कनेक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आपका ये प्लस में आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे सीरीज में नहीं पड़ा था वैसे ही पैरेलल में भी नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये आया हमारा एक डेरिवेशन, हमने किया जब दो सेल हमने ले रखी थी, दोनों अलग अलग ईएमएफ की थी, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग था, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या रिजल्ट आया हमारे पास? तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखें, न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट निकालने काम आएंगे यहाँ पे, पूरा डेरिवेशन थोड़ी ना करेंगे न्यूमेरिकल मिल गए तो ये रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे, जब हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एक स्पेशल क्वेश्चन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, तो थोड़ा ध्यान से देखना उसको। मैंने याद है मैंने एक सीरीज कॉम्बिनेशन भी एक स्पेशल क्वेश्चन करवाया था, और मैंने बताया था कि 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम करंट की कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। व्हेन एनथ सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन फाइंड द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम करंट। बड़ा सिंपल सा है, क्या बोला मैंने? मैंने बोला एनथ सेल या एमथ सेल, एज योर चॉइस। एनथ सेल ले ली, बहुत सारी सेल्स ले ली आपने, और हर एक सेल का ईएमएफ सेम है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ एनथ सेल Each of EMF E and internal resistance are connected with external resistance capital R। ठीक है, in parallel and find मैक्सिमम करंट, देन फाइंड मैक्सिमम करंट। कल जैसा ही क्वेश्चन है, बस ये जरा सा फर्क है, कल सीरीज कॉम्बिनेशन था हमारे पास, आज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए सभी सेल्स की ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, सबको पैरेलल में कनेक्ट मैंने कर दिया है, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल एंड आर, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। मैंने पहले भी बताया था, अरे मैक्सिमम आप निकाल लोगे, लेकिन पहले करंट तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखें, करते हैं स्टार्ट। देखिए, ईएमएफ ऑफ वन सेल कितनी है? ई,
टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल्स कितनी ली है, एन सेल है तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ एन ही, ठीक है। चलिए लेकिन ये गलत है, वाई थोड़ा सा जोर डालिए प्रीवियस वीडियोस पे, जितना भी मैंने अभी तक कंसेप्ट आपको समझाया है सीरीज और पैरेलल का, आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी ईएमएफ या पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो ध्यान दीजिए, इस वाली सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी वाली सेल का पॉजिटिव, थर्ड सेल का पॉजिटिव और एनएफ सेल का पॉजिटिव एक कॉमन पॉइंट ए से कनेक्ट है। सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स आर कनेक्टेड अनदर टर्मिनल बी एंड बोथ टर्मिनल, ये देखिए सभी की सभी ईएमएफ, सभी की सभी सेल्स दो कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रही है। और ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ जो एक सेल की होगी वो ही कंप्लीट है, जितनी भी ईएमएफ आप कितनी भी सेल लगा लो, जो ईएमएफ एक सेल की होगी वही पूरे सर्किट की टोटल ईएमएफ कहलाएगी। ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखो, बिकॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ क्या होगी, सेम ई। कंसेप्ट आ गया समझ में। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। टोटल सेल कितनी है, एन है। अब जरा ध्यान से देखिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज के अंदर तो हमने कर दिया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN, बट इसमें क्या होगा, आपको मालूम है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो इस तरीके से करके, तो 1 अपॉन R कितना हो जाएगा ये हमारा, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R एंड अप टू N, तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट, कह लो R इक्विवेलेंट कह लो N by R, चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, R बाई N। याद आया जब मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करवाया था, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल के अंदर कितने भी रेजिस्टेंस, एक जैसे रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर दिए जाएं, तो उनका शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने यही बताया था, R बाई N, तो वो यहां से हो चुका है। आप ऐसे भी कर सकते हो अपने सिंपल तरीके से, वन बाई करके अपॉन करके और उसको रेसिप्रोकल करके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया पूरे सर्किट का, R by N, और एक एक्सटर्नल भी जोड़ा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा यहां से, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R भी जोड़ा हुआ है प्लस R by N, तो ये कितना हो जाएगा, NR plus R। तो हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, टोटल EMF भी आ चुकी है और टोटल इंटरनल, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस भी आ चुका है। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, that is total EMF upon total resistance, that I is equal to total EMF E and total internal resistance NR plus R upon N ऊपर चला जाएगा। This is very very important result. ये आपका करंट आ चुका है। Find out क्या करना है, maximum current. तो maximum current के लिए मैंने दो cases लगाए थे, आपको याद होगा। तो मैक्सिमम करंट निकालते हैं, एक बार इसको बढ़ा लेते हैं, एक बार इसको बढ़ा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दो हमारे स्पेशल केस फॉर फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट केस आएगा हमारा NR इज ग्रेटर देन R, दिस इज मच ग्रेटर देन स्मॉल R नेगलेक्ट, तो I कितना आ जाएगा, NE अपॉन NR, N से N कैंसिल, E बाय R, यानी ये करंट तो सिर्फ और सिर्फ E by R क्या होता है, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। अब हम सेकंड केस करते हैं हमारा, व्हेन R इज मच ग्रेटर देन NR, जब R बहुत बड़ा ले ले हम इंटरनल कैपिटल टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो I कितना आ जाएगा, देखिए इसको मैंने बड़ा लिया, इसको मैंने छोटा लिया, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा हमारा, E अपॉन R, यानी N टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो अब मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम करंट कहाँ मिल रहा है आपको, ये मैक्सिमम करंट है या ये मैक्सिमम करंट है, एन टाइम्स मिल रहा है यानी ये मैक्सिमम करंट है, तो वो कंडीशन कौन सी है जो लगा के हमें ये मैक्सिमम करंट प्राप्त हुआ है, वो कंडीशन ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस
एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, किससे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन के अपोजिट रिजल्ट आया है, तो ऐसा ही होता है। तो ये थे हमारे, सबसे पहले मैंने करवाया था आपको दो सेल के लिए टोटल ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करवाए थे। अब मैंने करवाया है कि एनथ सेल अगर कनेक्ट कर दी जाए, एक जैसी सेल अगर कनेक्ट कर दी जाए, तो टोटल मैक्सिमम करंट कितना निकलता है, कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये हो जाएगी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल वही है जो सीरीज कॉम्बिनेशन का करवाया था, बिल्कुल सेम एज इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये कंसेप्ट है हमारा, तो बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन अगर दे दूं ताकि आपको थोड़ा सा और फील हो जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, एक बार वो और देख लीजिए, बाकी तो इसमें कुछ। मान लीजिए यहाँ पे एक सेल हमने कनेक्ट कर रखी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, एक सेल हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दी, एक सेल हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये 10 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, चलिए ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, कुछ भी लगा लीजिए ऐसे। अब आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे करोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है ई इक्विवेलेंट का? अभी अभी हमने सोल्व किया 1/R1+1/ ये E2, इस तरीके से सोल्व किया है, इस तरीके से सोल्व किया है, यही रिजल्ट आया था ईएमएफ का। तो करिए, E1 कितना है 10 अपॉन R1 कितना है इसका 2 प्लस E2। अब जरा देखिए, जरा पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, यानी बिल्कुल अपोजिट है। तो मैंने क्या बताया था, जब पॉजिटिव का एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो उसकी ईएमएफ क्या हो जाती है, -3/1, और ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 5/4/1/, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 1/2 + 1/1 + 1/4, तो इसको सोल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व एलसीएम लेके करिए या कैसे भी कर दीजिए। जैसे सीरीज था वैसे ही पैरेलल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, उसका प्रूफ करवाया हमने। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी मिक्स्ड ग्रुपिंग की, हमने सीरीज कर ली, हमने पैरेलल कर ली, अब दोनों एक साथ आएंगी जिसमें सीरीज होगा और पैरेलल एक साथ हमारा कनेक्शन होगा, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा आपका। तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।